विलेज बाथ टब। एक गांव में एक अजीब सा परिवार रहता था। वो लोग वादे के पक्के रहते थे। उसका नाम पप्पू था और उसकी बीवी लक्ष्मी और उनके बेटी बिंदिया थे। बिंदिया का शादी का उम्र हो गया था। एक दिन शादी का रिश्ता लेकर पंडित उनके घर में आया। बेटा पप्पू, तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखना मेरा जिम्मेदारी है। और लक्ष्मी कहाँ है? बेटी लक्ष्मी, बहुत धूप में पड़कर आया हूँ, थोड़ा लस्सी लाकर मेरा मुंह पर फेंको, कहकर चिल्लाया। तब लक्ष्मी ने लस्सी को लाकर पंडित के मुंह पर लस्सी फेंकी। अरे ये क्या है, लस्सी मुंह पे फेंक दिया है तुमने? तुमने ही तो कहा था ना लस्सी मुंह में फेंकने के लिए, इसलिए फेंकी। कुछ भी गलत मत समझो, तुम्हें पहले ही कहा था ना हम बहुत वादे के पक्के रहते हैं, उसने जो किया उसमें गलती क्या है? हे भगवान, गांव में सब लोग आपके लोगों के बारे में अजीब अजीब सब बातें कर रहे थे तो क्या होगा सोचा था, अभी पता चल गया। कमीशन के लिए लालच बना तो ऐसा ही होता है। फिर से अगर आप लोगों से कुछ गलत बात किया तो आपका चप्पल से मारिए। तब बिंदिया ने उनका चप्पल निकाल कर उसे मारी। हाय भगवान, क्या बेटी ऐसा क्यों मारी हो मुझे? तुमने जो कुछ भी बोला वो सब गलत है। गांव वाले कुछ न कुछ बात करते रहेंगे, वो सब बातें हमें वापस सुनाओगे तो वो गलत है ना, इसलिए मारी। फिर वो वहां से भाग गया। एक दिन बिट्टू नाम का एक लड़का पंडित के सामने आकर उनका शर्ट पकड़कर, क्या रे चोर कहीं का, रिश्ता दिखाऊंगा कहकर एडवांस लिया, फोन किया तो नहीं उठाता है, मर्यादा से मेरे लिए लड़की देखोगे या नहीं देखोगे, मेरे बारे में तुम्हें पता है ना? तब पंडित मन में, इस येड़े का घमंड ज्यादा हो रहा है, केवल 1,000 रुपए देकर ओह 1,00,000 रुपए दिया जैसा बिल्डअप दे रहा है, इसको अच्छा सबक सिखाना होगा सोचा। क्या रे तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ तो क्या सोच रहा है? अब अब जब वो बेटा तुम्हारे लिए बड़ा सा रिश्ता लाया हूँ, मगर मैं तुरंत एक काम के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम्हें एड्रेस देता हूँ, तुम ही खुद जाकर देख लो, मगर मेरा कमीशन मत भूलना बेटा, कहकर उनको एड्रेस बताया। फिर वैसे ही बिट्टू पप्पू के घर गया। मेरा नाम बिट्टू है, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, पैसे अच्छा कमाता हूँ, शादी के पंडित ने आपके बारे में बताया था, क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ? तब लक्ष्मी और बिंदिया वहां आए। बिंदिया को देखकर बिट्टू प्यार में पड़ गया। पिताजी हम सीरियल देख रहे थे तब करण चला गया, करंट ऑफिस को फोन किया तो शाम तक नहीं आ सकते हैं, कहा ये कौन है? तब पप्पू ने बिट्टू के बारे में बताया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस करंट का पोल में ही शायद समस्या है लग रहा है, मैं चढ़कर ठीक कर दूंगा, मैं जब कहूंगा तभी आप मेन को ऑन करना, कहकर गरु से कहा। आपके कहने के बाद मतलब कितना समय लगेगा, ठीक से बताइए बेटा। ये तो छोटा काम है जी, 10 मिनट के बाद ऑन कीजिए बस है, कहकर खंबे पर चढ़कर ठीक करने लगा। तब पप्पू स्विच बोर्ड के पास खड़ा होकर ठीक 10 मिनट होने के बाद स्विच ऑन किया, बस बिट्टू को शॉक लगा और वो नीचे गिर गया। बुरा मत मानो बेटा, आप ही ने कहा था ना 10 मिनट, आधा घंटा कहना चाहिए था, अच्छा होता था, बहुत चोट लग गए हैं शायद, आइए गर्म पानी से नहाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर बाथरूम में बकेट में हाथ डालकर बिट्टू जोर से, ये क्या है जी, ज्यादा गर्म नहीं है, छी छी कैसे गर है ये, कहकर चिल्लाया। फिर बाहर ठहरे हुए पप्पू, अरे ज्यादा गर्म है तो डेंजर हो जाएगा सोचकर ज्यादा गर्म नहीं किया, थोड़े देर रुकिए फिर से गर्म करके बेचता हूँ। क्या डेंजर होगा, मैं राजस्थान में भी गर्मा गर्म पानी से नहाता था, उतना गर्म होना चाहिए मुझे पानी, आप क्या करोगे कैसे करोगे मुझे कुछ भी पता नहीं है, मगर मुझे उतना गर्म पानी चाहिए। तब तीनों मिलकर घर के आगे एक बड़ा चूल्हा तैयार किया, फिर उसमें एक बाथ टब रखकर उसमें पानी भरा। फिर बिट्टू को जबरदस्ती तीनों मिलकर उठाकर लाकर उसमें बिठा दिया, वो गर्मी सह नहीं पाकर, उई माँ बंद कर दीजिए, कहकर चिल्लाने लगा। उन लोगों ने उसे बाहर निकले बिना पकड़कर, पप्पू क्या है बस इतना गर्म सह नहीं पाकर चिल्ला रहे हो, और थोड़े देर रुको और भी बढ़िया रहता है। तब बिट्टू उनसे छुटकारा पाकर उधर से कूद कर भाग गया।